नमस्कार दोस्तों, बड़ा ग्राफिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपने कोल्ड रैक के अंदर एक नए बिशिंगा की डिजाइन करने वाला आपको दिखाएंगे। अपने कोल्ड रैक के अंदर बहुत ही आसान तरीके से कैसे आप बिशिंगा की डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने कार्ड का साइज लेते हैं 90x54.5। ये दोस्तों इसके रिलेशन कर लेते हैं 600, और ये जो है हम MM में इसका साइज लेंगे और ओके कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा साइज हो गया फुल साइज, और हमें लेना है अब डिजाइन साइज। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल टूल से यहाँ पे साइज लेते हैं 80x46 यानी MM में, और इसे हम सेंटर में कर लेंगे, पी प्रेस कर लेंगे, सेंटर में जाएगा। तो इसके लिए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि इधर उधर हमारा ये घिसके ना। तो यहाँ से हम लाइन ले लेते हैं, और लाइन ले लेंगे दोस्तों तो हमें जो भी डिजाइन करेंगे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से हम लाइन ले लिए हैं, और इन सारे को हम करेंगे सिलेक्ट शिफ्ट प्रेस करते हुए, और राइट क्लिक करके यहाँ पे हम लॉक कर देंगे ताकि इधर उधर या घुसके ना। और हम जल्दी से, और यहाँ हमने मेटल टाइप कर लिया, और इसका हम फॉन्ट को चेंज कर देते हैं। तो ये अच्छा सा फॉन्ट लगा लेते हैं यहाँ पे हम, कोई और देखते हैं फॉन्ट हम अच्छा सा। इस वाले में हम लगा लेते हैं बोल्ट वाला फॉन्ट, और इसे हम बड़ा कर लेते हैं, और इसका भी हम फॉन्ट थोड़ा बोल्ट में ले लेंगे। और यहाँ से हम लेते हैं एक लाइन ड्रॉ करते हैं फ्री हैंड टूल से, और इसको हम कंट्रोल क्यू कर लेंगे यानी कर्व कर लेंगे, और इस पर राइट क्लिक करके टू कर्व पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम इसका कॉर्नर पकड़ के कुछ इस तरीके से एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। थोड़ा सा और इसे हम कर लेते हैं ऊपर साइड में, और इसे थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं ताकि एक अच्छी सी डिज़ाइन बन सके। और इसका हम कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर हम राइट क्लिक छोड़ देंगे। और यहाँ आएंगे हम इंटरेक्टिव फिल टूल के अंदर, स्मार्ट फिल मिलेगा हमें, और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे जहाँ पे हमें इस तरह की डिज़ाइन करनी है, और इसे हम कर देते हैं डिलीट, और इसका कलर हम रेड रखेंगे, इसका आउटलाइन कर देते हैं रिमूव, और यहाँ पे हम जो भी फॉर्म का नाम है यानी जिस दुकान का ये है नाम है, इसे हम थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, और इसे हाईलाइट दिखाएंगे हम यहाँ पे। तो इसके लिए हम एक बैकग्राउंड ले लेते हैं यहाँ पे, इस बैकग्राउंड को उसमें हम थोड़ा सा लगाएंगे। इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे इस पर, और पावर क्लिप इनसाइड कर देंगे, और इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और ट्रांसपेरेंसी टूल से इसे हम ट्रांसपेरेंसी कर लेंगे। तो यहाँ से हम ट्रांसपेरेंसी टूल लेते हैं, और यहाँ से हम ड्रैग कर लेंगे, और इतना ही सा थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, और फिनिश पे क्लिक कर देंगे हम, या कंट्रोल प्रेस कर देंगे, बाहर जाएंगे हम। तो देखिए दोस्तों इसका लुक कैसा दिख रहा है आपको, और इसी के ऊपर इसे हम रख देंगे पंकज कंप्यूटर स्क्रैप को, और इसे हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे, और ये जो नाम और मोबाइल नंबर है इसे हम टॉप पे ही रखेंगे यानी ऊपर साइड में ही रखेंगे। इसे हम छोटा कर लेते हैं, 10 पॉइंट रखते हैं इसका हम साइज, और इसका हम कलर दे देंगे वाइट ही देखेंगे। इसमें हम ब्लू और वाइट यानी ब्लू एक पट्टी देंगे हम ब्लू कलर का, और इसमें जो टेक्स्ट का कलर होगा हमारा वो हम वाइट कलर रखेंगे। तो यहाँ से हम शेप टूल से कुछ इस तरीके से एक नया डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं, और इसे हम पावर क्लिक इनसाइड कर लेंगे अंदर साइड में, और इस पट्टी को थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि इस साइड पूरा हो जाए, और इसे हम कर लेते हैं वाइट।
और इसी तरह इधर भी हम कॉपी कर लेंगे। इसे भी कर लेते हैं वाइट, थोड़ा सा इधर घिसका लेंगे ताकि ज़्यादा बड़ा था जो पट्टी था, इसे हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। और एड्रेस को भी हम इसके नीचे ही रखेंगे, इसे हम एक ग्रीन पट्टी के अंदर डालेंगे इसको। और इसको हम सेंटर में रखेंगे क्योंकि इस साइड अच्छे से ये बैठ नहीं पा रहा है, यानी सेट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ से हम एक पट्टी ले लेते हैं, रेक्टेंगल टूल से हम एक पट्टी ले लेंगे। टेक्स्ट जितना भी टेक्स्ट हमारा है उस पर हम सेलेक्ट करते हुए रेक्टेंगल टूल पर क्लिक करेंगे, वो हमारा उतना एरिया ले लेगा और उसके बाद से हम इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने अनुसार। तो यहाँ से हम इसका ग्रीन कलर दे दिए हैं और इसे हम पे डाउन कर लेंगे। इसमें जी प्रेस करेंगे और थोड़ा सा इसे हम डार्क कर लेते हैं, यानी ब्लैक इसमें मिक्स कर देंगे, डार्क हो जाएगा। और इसे हम पेज अप कर लेंगे शिफ्ट प्रेस करते हुए। और जो टेक्स्ट हमारा है थोड़ा बड़ा, इसे हम कर लेते हैं छोटा ताकि जो भी पट्टी है उसके बीचों बीच में हो, सेंटर में हो। और इसे हम सी और ई कर लेंगे और इसे हम थोड़ा हाईलाइट करने वाले हैं क्योंकि ये हाईलाइट दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए हम करते हैं ब्लैक रेड कलर और इसका आउटलाइन हम बढ़ा देंगे 3 पॉइंट और बिहाइंड फिल कर लेंगे। इसका आउटलाइन कलर रखेंगे रेड और यहाँ पे हम देंगे ड्रैप शैडो और यहाँ से हम ड्रैप शैडो को ड्रैग करते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे और ठीक इसके ऊपर रखेंगे हम ये येल्लो से जो लिखा हुआ है पंकज कंप्यूटर। और देखिए दोस्तों ये हाईलाइट दिख रहा है और ये भी जो भी डिस्क्रिप्शन में इसका है जो काम करता है इसको हम कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं नीचे साइड में। और इसे हम 2 या 3 लाइन में सेट करते हैं, देखते हैं कितने लाइन में आ रहा है। हमें ये भी ध्यान देना है कि मैटर जो है हमारा टेक्स्ट लिखा गया है डिस्क्रिप्शन में वो छोटा ना हो, हमें ऐसा करना है कि वो पढ़ने में आ जाए आसानी से। तो इसे हम जो इसका रखेंगे साइज हम 8 पॉइंट से ऊपर ही रखेंगे, 8.5 या 3 इससे कम नहीं करेंगे हम, क्योंकि 8 पॉइंट से नीचे हम जब रखते हैं तो जो टेक्स्ट होता है उसका बहुत ही छोटा जाता है और जो प्रिंटिंग होगा तो पढ़ने में नहीं आता है दोस्तों। तो ये हमारा विजिटिंग कार्ड ख़राब हो जाता है यानी बेकार हो जाता है, वो जब मैटर समझ नहीं आएगा तो बनने का कोई मतलब नहीं होता है। तो हमें 8 पॉइंट से नीचे नहीं करना है, 8 पॉइंट और 10 पॉइंट के बीच में ही हमें इसका साइज रखना है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं कुछ इमेज लगाना है तो इसके लिए हम अलग अलग बॉक्स बना लेते हैं चार्ट है। और यहाँ सेव टूल से इसका दोनों साइड का कॉर्नर रोटेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से और इसे हम रेड कलर आउटलाइन देते हैं और इसे हम कॉपी कर लेंगे कंट्रोल को प्रेस करते हुए और कंट्रोल डी कर लिया हमने, छोटा छोटा कर लेंगे। और इसमें हम 4 इमेज लगाएंगे जो इसका मेन जो काम है इसका, जैसे स्क्रैप वाला इसका काम है तो हम यहाँ पे स्क्रैप वाला लगा देंगे, कंप्यूटर लगा देंगे, मोबाइल लगा देंगे, इन्वर्टर बैटरी लगा देंगे। ये 4 इसका आइटम है हम मेन इसमें लगा देते हैं। हम यहाँ से पहले क्या कर लेंगे, गूगल से डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से हम, और इसमें हम अलग अलग जो भी इमेजेस हैं हम इसे पावर क्लिप इंसर्ट कर लेंगे हर बॉक्स के अंदर। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा और लाइक करके दोस्तों उत्साह जरूर बढ़ाएँ ताकि हम नए नए वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहें दोस्तों। और इसे भी हम उसी तरह कर लेंगे पावर क्लिप इंसाइड और इसे हम थोड़ा घुमा लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 90 इंटर और देखिए ये हमारा हो गया फुल साइज
थोड़ा इधर कर लेंगे, इसका लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा विजिटिंग कार्ड बनकर रेडी हो गया है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपने क्या सीखा है। धन्यवाद।